बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, हाउ आर यू टुडे विद माइंड ब्लोइंग एंड माइंड शेकिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। सो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट सिग्निफिकेंस लेवल इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड कंसर्न विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाइल कॉन्फिडेंस लेवल इज डिनोटेड बाय 1 माइनस अल्फा एंड कंसर्न विद द एस्टिमेशंस. That is when we are going to construct confidence intervals for different population parameters. ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल को हम कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है, और कॉन्फिडेंस की प्रॉबिलिटी भी कहते हैं, जबकि सिग्निफिकेंस लेवल को हम जो है वो प्रॉबिलिटी ऑफ रिस्क भी कह सकते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ मिसबिलीव भी कह सकते हैं, ठीक है. रेंज ऑफ प्रॉबिलिटी इज 0 to 1, दिस इज रॉन्ग. वाई अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन चूंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम बुक्स में भी जो है इसका आंसर यही लिखा होता है, लेकिन जब बात आती है टेक्निकलिटीज पे तो जारी बात है वहाँ पे फिर ज़रा टेक्निकल होना पड़ता है. तो ये क्यों गलत करते हैं कमीशन वाले इसको, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना लेस देन और इक्वल देन साइन यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, क्योंकि प्रॉबिलिटी कि रेंज हम कहते हैं 0 से लेके 1 तक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 0 भी होती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी होती है. तो अगर टेक्निकलिटीज पे आया जाए तो ये इसकी रेंज गलत है, ठीक है. इसकी एक्चुअल रेंज क्या है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू पी एंड पी इज लेस देन आर इक्वल टू 1. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, व्हाइल द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसी तरह एक मिलता जुलता मैंने एमसीक्यूज आपके सामने रखा है कि अक्सर ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम देखते हैं. अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इज इट राइट? अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली वही फॉल्ट आ रहा है कि ये यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है ये ग्रेटर देन आर इक्वल देन का साइन है, सही है. यानी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन, बिकॉज ऑफ दैट जब आपके पास डेटा कांस्टेंट होता है तो तीनों एवरेज बराबर होते हैं आपके पास, ठीक है. हाउ मेनी ऑप्शंस व्हेन अ नल हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड, दैट इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन कि जब आप एक नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाते हो तो आपके सामने कितने ऑप्शंस पड़े होते हैं. तो याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं. एक ये कि हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, आप इसको रिजेक्ट कर दें. हो सकता है नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो, आप इसको एक्सेप्ट कर लें. ये भी हो सकता है कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप इसको एक्सेप्ट करवा लें, और ये भी हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस क्या हो, फॉल्स हो और आप इसको रिजेक्ट करवा लें, जिसको हम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर डिनोटेड बाय अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप सेकंड एरर डिनोटेड बाय बीटा, 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पावर ऑफ टेस्ट एंड 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके. डिफाइन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की रेशोज है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप होती हैं तो अक्सर वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है, मिक्सर से जो है वो डेवलप होती हैं. तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो से जो है ये डेवलप हुई है. तो अगर आप इसकी प्रॉपर डिफिनेशन अगर आपसे वो मांगे तो यू हैव टू रिस्पॉन्स लाइक दैट, द रेशो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड द स्क्वेयर रूट ऑफ काई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज एक्चुअली कॉल्ड स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. देयर आर डैश एक्सपेरिमेंटल एरर इन विच डिजाइन. अमूमन तो हर एक डिज़ाइन में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल एरर होता है और उसी को हम कंट्रोल करने के पीछे लगे होते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए. लेकिन आपके पास वो कौन सा डिज़ाइन है जिसमें एक्सपेरिमेंटल एरर कभी 2 हो जाते हैं, कभी 2 से बढ़ जाते हैं, तो याद रखिएगा स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन में आपके पास एक्सपेरिमेंटल एरर कितने होते हैं, 2 होते हैं. क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास जो प्लॉट्स होते हैं, कुछ छोटे प्लॉट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लॉट्स होते हैं, तो बड़े प्लॉट्स के लिए अपना एरर होता है, छोटे प्लॉट्स के लिए छोटा एरर होता है. तो हम कह सकते हैं कि स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन में हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं. अगर मजीद फर्दर आप आगे चले जाएं तो स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन में आपके पास फिर 3 एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाएंगे. इज इट क्लियर? व्हाई कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी इज यूज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट इट नीड्स सम एलेबोरेशन, से सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस एंड शेयर द नॉलेज कंसर्निंग कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी. तो जब आप कोफिशिएंट, जब आप कंटिजेंसी टेबल में 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के इन बिटवीन एसोसिएशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप एच नॉट में क्या लिखते हैं,
कि बोथ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, और एच वन में क्या लिखते हैं कि बोथ द वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, ठीक है। तो इन केस अगर आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो आपका एच वन एक्सेप्ट होता है। एच वन में आप क्या कहते हैं कि दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के इन बिटवीन एसोसिएशन है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर जो है सिर्फ आपको इस बात का पता देता है कि एसोसिएशन है कि एसोसिएशन नहीं है। अगर एसोसिएशन है तो डेफिनेटली हम उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना चाहते हैं कि यार कितनी स्ट्रांग एसोसिएशन है, पुअर एसोसिएशन है, मॉडरेट एसोसिएशन है, तो उसकी वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को ऑब्टेन करने के लिए फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एट एनी लेवल ऑफ कमीशन। सबसे पहले अगर आसान अल्फाज में मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो सिंपल हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके तमाम पैरामीटर्स का यूनिकली स्पेसिफाई होना ज़रूरी है। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जो म्यू है वो 80 आ रहा है और सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी स्पेसिफाई है, उसके दोनों पैरामीटर यूनिकली स्पेसिफाई हैं, ठीक है, यानी दोनों की एक ही वैल्यूज हैं। जबकि कंपोजिट हाइपोथेसिस में इसके बरक्स होता है, अगर आपके पास किसी डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम पैरामीटर जो है वो यूनिकली स्पेसिफाई नहीं है। इस तरह हम कहते हैं कि लेट सपोज वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 20 व्हाइल वेरिएंस इज अननोन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर तो यूनिकली स्पेसिफाई है, सेकेंड का आता पता नहीं है, कंपोजिट हाइपोथेसिस। एक और एग्जाम्पल, इस तरह हम कहते हैं कि आई हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 89 while sigma square is greater than or equal to 10। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो mean की value तो आपको equally specify की गई, लेकिन आपके पास जो sigma square की value है वो greater than का sign आ रहा है, तो फिर भी composite है, ठीक है। Difference among population distribution, sample distributions and sampling distributions, this is very confusing question। तो कोई मसला नहीं है, बड़ा आसान सा answer है इसका। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अ सिंगल सैंपल इज एक्चुअली कॉल्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनी सैंपल स्टेटिस्टिक इज एक्चुअली कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम एक्स बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, एक्स वन माइनस एक्स बार टू की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरियंस बनाते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन बनाते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिलेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो उसको फिर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जो कि बड़ा पॉपुलर बड़ा फेबुलस मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो आपके पास एफिशिएंट भी होते हैं, सफिशिएंट भी होते हैं, और अगर सैंपल साइज को लार्ज करें तो मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर नॉर्मेलिटी को भी फॉलो करते हैं। तो सैंपल साइज को लार्ज करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स में एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एसिम्प्टोटिकली। तो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल भी होते हैं, एसिम्प्टोटिकली कंसिस्टेंट भी होते हैं, और बायस भी हो सकते हैं, अनबायस भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर जनरली जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं, ठीक है। तो डियर्स, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।